नमस्कार, मैं अनिल सक्रवाल और हम आज हैं फिजिक्स लैब में गवर्नमेंट स्कूल देवदा बांसवाड़ा। यहाँ हम आज प्रैक्टिकल करेंगे दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहकों की तुलना करना। इसमें हम पूरी बातें देखेंगे कि सबसे पहले तो इस सर्किट को कैसे जोड़ा गया है इसके बात करेंगे, फिर कैसे रीडिंग लेते हैं और क्या क्या इसके अंदर दिक्कत आ सकती है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इसको पूरा देखें शुरू से लास्ट तक, जिससे आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा और इस प्रैक्टिकल को हर विद्यार्थी खुद कनेक्शन करके भी अपने आप कर सकता है। अगर इस वो वीडियो को कंटिन्यू देखेगा तो वो खुद पूरा कनेक्शन कर सकता है, खुद सॉल्व कर सकता है हर चीज़ को। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू से लेते हैं इसको। सबसे पहले तो इसके सर्किट की बात करते हैं। देखो, तुलना करना हमें करनी है दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है वोल्टेज, उनकी मैक्सिमम वैल्यू कितना वोल्टेज है उनका। प्राथमिक सेलों की बात हम कर रहे हैं। प्राथमिक सेल में दो सेल हमने लिए, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल, इनकी तुलना करनी है हमें कि अनुपातिक रूप से कौन सा जो है वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें से उसकी वैल्यू कितने गुना दूसरे से ज़्यादा है। तो तुलना जब करते हैं तो नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है E1 अपॉन E2। और इसके लिए हम फॉर्मूला अपने पास ये थ्योरी में पढ़ लेते हैं, L1 अपॉन L2। ये इसका सिद्धांत है। तो हम L1 निकालेंगे और L2 निकालेंगे, दोनों का डिवाइड कर लेंगे, उसकी हम टेबल बना के देखेंगे कैसे करना है। पहले हम बात करते हैं इसके कनेक्शन की। देखो, इसमें दो कनेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट, एक होता है सेकेंडरी सर्किट। प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ, दो प्रयोग से विमापी से दो प्रयोग हैं। विमापी क्या होता है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसपे एक 10 मीटर लंबी तार जो है वो कंटिन्यू आगे से आगे 10 भागों में जुड़ी रहती है और उसके दो पॉइंट रहते हैं, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। इसके द्वारा दो काम किए जाते हैं, एक कोई भी प्राथमिक सेल है उसके आंतरिक प्रतिरोध का अध्ययन किया जा सकता है, दूसरा दो सेल प्राथमिक सेल है उनकी तुलना की जा सकती है, कौन सा किसकी तुलना में बेटर है और उसके मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अब इसके लिए जो प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट के अंदर दोनों में सेम है, इसलिए मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। एक हमने जो आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है वो प्रयोग हम पहले कर चुके हैं, उसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो उसको आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें और इसमें दोनों में एक बात कॉमन क्या है, प्राइमरी सर्किट दोनों में कॉमन है। प्राइमरी सर्किट में हमें क्या यूज़ करना है, कुंजी यूज़ करनी है, की, एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक, एक बैटरी मैंने एलिमिनेटर यूज़ किया है, और आप चाहें तो 3 वोल्ट के 1.5 वोल्ट के सेल जो है वो नॉर्मली लैब के अंदर ऐसे रहते हैं हमारे पास सेल बॉक्स, इनके अंदर लगा के भी प्लस माइनस यहाँ लगा के कनेक्शन हम कर सकते हैं, ज़्यादातर हम उसी का यूज़ करते हैं। एलिमिनेटर हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से जितने वोल्ट अपने को वोल्टेज चाहिए उतना अपने यहाँ से ले लेंगे। अब ये देखो, इसके लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं है कनेक्शन, ये हमें जोड़ने हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। पॉइंट ए से, ये पॉइंट ए से शुरू करना है और इसको पॉइंट बी तक लेके आना है। किसी को भी कैसे भी जोड़ दो, किसी भी किताब की जरूरत नहीं है हमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इसको आराम से कनेक्शन करके और ये काम कर सकता है इजी वे में, उसको कहीं याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हमें तीन चीज़ें इसमें जोड़नी है, एक तो बैटरी जोड़नी है, एक धारा नियंत्रक जोड़ना है, एक की जोड़नी है। तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो आप इसका एक वायर इसके पॉजिटिव से जोड़ दें, इसका अगला वायर नेगेटिव का धारा नियंत्रक के पॉइंट से जोड़ दें, इसका अगला पॉइंट कुंजी से जोड़ दें ऑन ऑफ करने के लिए, और अगला पॉइंट बी पॉइंट से जोड़ दें। ये हो गया प्राइमरी सर्किट। दूसरी बात आती है, फिर आती है सेकेंडरी सर्किट, ये इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ। ये दोनों का अलग अलग है, आंतरिक प्रतिरोध वाले का अलग है जो हम कर चुके हैं पहले एक वीडियो में, और ये इसका प्रयोग अलग है, इसका जो सेटअप है वो अलग है। इसमें क्या करना है, जिन सेलों की हमें तुलना करनी है वो सेल हमें बना के रख लेने हैं। कैसे बनाने हैं, इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट पहले किया जा चुका है, उसकी वीडियो बनाई जा चुकी है, वो आप देख सकते हैं। आपको प्रैक्टिकल नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, प्रैक्टिकल लिखा हुआ उसमें, उस प्लेलिस्ट में जो भी 4-5 प्रैक्टिकल हुए हैं उनकी सारे डिटेल है, और जितने भी और आगे बढ़ेंगे वो भी सारे उसके अंदर कनेक्ट होंगे। तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहाँ है। अब देखें, इसके अंदर दोनों सेल हम बढ़ा लेंगे, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल। कैसे बढ़ाते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं अभी, पहले कनेक्शन की बात करते हैं। इनमें क्या रहता है, इसके अंदर ये जो पोर्ट रहता है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। जिंक रोड दोनों में ही है, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है, ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है। इसके अंदर पॉजिटिव जो है, ये तांबे का जो पात्र होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है। तो यहाँ से दो कनेक्शन हमें लेने हैं, दोनों को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे।
अब रहा दोनों का नेगेटिव, तो दोनों के जो नेगेटिव है वो जिंक रोड से कनेक्ट होते हुए हमें एक की यूज करनी है, इसको कहते हैं टू वे की, द्विमार्गी की कुंजी कहते हैं हिंदी में से, टू वे की। अब इसमें आपको एक का कनेक्शन कर देना है और दूसरे का दूसरे से कर देना है। बीच में इसमें एक पेच हो रहा है, टोटल इसके तीन पेच है, तीन है, तो एक पेच से उसकी एक की जिंक रोड जोड़ देंगे, दूसरे कॉर्नर वाले से दूसरे की जिंक रोड जोड़ देंगे, बीच में जो है वो जोड़ देंगे धारा मापी से, गैलोमीटर मीटर से, ये जोड़ दिया धारा मापी से, और धारा मापी का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको जोड़ देंगे हम जोकी से, तो ये जुड़ गया जोकी, ये हो गया कनेक्शन। अब बीच आगे हम बात कर रहे थे इसके अंदर कि जब हम देखो इस की को लगाएंगे, इसके अंदर इस की को लगाएंगे तो आपको केवल बीच वाला जो पॉइंट है वो तो धारा मापी से जुड़ ही रहा है, यहाँ से तो करंट इसमें जा ही रहा है, तो ये मेजर कर देगा। अब हमें क्या करना है, ये देखो इधर वाला वायर किससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है लेक्लांसी सेल से, तो इसका मतलब क्या है, ये लेक्लांसी सेल अभी यूज हो रहा है, एक बार में एक ही की लगानी है, ये की खुली रहेगी, इसका मतलब ये सेल काम में नहीं आ रहा है, क्लियर। जब हम इसकी रीडिंग लेंगे तो इसको निकाल देंगे और इसकी रीडिंग ले लेंगे, तब क्या होगा, अब ये खुल गया तो ये सेल काम में नहीं आ रहा, ये सेल एक बार में एक ही सेल काम में लेना है। ये तो हो गई इसके सर्किट की बात, अब आप बात करते हैं इसके रीडिंग्स कैसे लेनी है। दूसरा इसके अंदर एक गलती क्या होती है कि ज़्यादातर समस्या आती है कि ये विक्षेप एक ही तरफ दे रहा है, ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है इस प्रैक्टिकल के अंदर कि जब हम चेक करते हैं इसको तो इसका जो विक्षेप है वो दोनों तरफ आना चाहिए, तभी तो हम इसमें संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। हम प्राप्त क्या करते हैं इसमें, तार पर संतुलित लंबाई, क्योंकि विद्युत वाहक बल लंबाई के समानुपाती होता है, ये हम इसके सिद्धांत में बात करते हैं कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल वहाँ तार के संतुलित जो लंबाई है उसके समानुपाती होता है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है उसका तो वो ज़्यादा लंबाई तक उसकी वैल्यू जाएगी। अब देखो हमें गलती जो है इसकी बात कर रहे थे, गलती की तो वो क्या होती है, अब आगे देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें ये चेक करना होता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट लगाया है हमने, जो प्राइमरी सर्किट कनेक्ट कर दिया, सेकेंडरी कनेक्ट कर दिया, उसके बाद सबसे पहला काम ये करना है क्या ये सर्किट सही चल रहा है, सही है। उसके लिए क्या होगा, जैसे ही हम इसमें चेक करेंगे, आप इसके पहली वायर पे कनेक्ट करेंगे इस जोकी को, तो इसकी जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की दिखाई दे रही होगी, एक तरफ जाएगी, दिखाई दे रही मूव होती हुई एक तरफ जाएगी, दिख रही है एक तरफ जाएगी। जैसे आप इसको लास्ट कॉर्नर पे टच करेंगे तो ये दूसरी तरफ जाएगी, क्लियर, समझ में आ रही है, ये दिखाई दे रही है ना सभी को, तो इस तरह से आपको चेक करना है। अगर ये इस गैल्वेनोमीटर में आप यहाँ टच कर रहे हैं और यहाँ टच कर रहे हैं, दोनों स्थितियों में एक ही डायरेक्शन में नीडल जा रही है, तो आपके सर्किट में गड़बड़ है, सर्किट यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, कनेक्शन गलत है, या कोई कनेक्शन लूज है, या कोई ना कोई समस्या जरूर है। अब वो समस्या है उसकी बात कर लेते हैं पहले, तो जो समस्या आती है वो समस्या आती है एक तरफ डिफ्लेक्शन की। सबसे ज़्यादा समस्या इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तरफ डिफ्लेक्शन आता है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा। जब भी आपको उसका सोल्यूशन देखना हो तो स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइमरी सर्किट, और डेफिनेटली जो गड़बड़ होगी वो प्राइमरी सर्किट के अंदर ही होगी, सेकेंडरी सर्किट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सेकेंडरी सर्किट में, प्राइमरी सर्किट में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि ये जो धारा मापी है इसको अगर हमने सही नहीं लगा रखा, यानी जितना पर इस जितने डिस्टेंस पे इसको रखना है या जितना रेजिस्टेंस ये दे उसके अकॉर्डिंग इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हम इसको ला के यहाँ कर देंगे मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे कर देंगे, अधिकतम धारा मापी क्या करता है ये, सॉरी बट ये धारा नियंत्रक, ये धारा को नियंत्रित करता है। इसके अंदर क्या है, अलग अलग ये लगे रहते हैं, ये वायर लगे हैं जिसपे इसको मूव करवाते हैं, तो वायर की लंबाई जो होती है हमें पता है प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे हम, ज़्यादा तार यूज़ करेंगे ये, तो ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो करंट कम जाएगा। तो आप इसको क्या करें, अलग अलग बिंदुओं पर लगा कर रख कर करके कॉर्नर से लगें अलग अलग पे करके, और फिर देखते रहे चेक करते रहे साथ साथ में, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा, ये कनेक्शन कभी कभी हम उल्टे कर देते हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है, तो आप इनको भी रिवर्ट करके चेक करके देख लें। ये दो दिक्कत जो है वो यहाँ आपकी सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम इनमें परेशान होते रहते हैं और उसको देखते हैं कि ये तो इसमें तो क्या करना है, ये तो दो चीज़ें जोड़नी है तो सही होगा, यहाँ गलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गलती यही होती है इसके अंदर।
प्राइमरी सर्किट में ही गड़बड़ होती है, जब भी ऐसा हो तब प्राइमरी सर्किट को पहले चेक करें, सेकेंडरी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अब इसके अंदर बात करते हैं, तो अगली बात करते हैं सेल की। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, वैसे तो हमने एक वीडियो बना रखा है पहले से अलग से इस लेक्लांसी सेल का, डेनियल का और बना लेंगे, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इसमें क्या करना है। प्लास्टिक का डिब्बा है ये, अपना लैब में रहता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड है अपने पास, अमोनियम क्लोराइड ये रहा NH4Cl, ये आप थोड़ा इसके अंदर डाल दें अंदाजे से, और आधा डिब्बा पानी डाल के मिक्स कर लें, जो उसमें दोनों जिंक क्लोराइड और ये डाल दें, तो ये लेक्लांसी सेल तैयार है। इस सेल के लिए क्या करना है, तांबे का पात्र है, इसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट आपको डालना है, CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट। तो इसमें एक नीले कलर का थोड़ा मैटर रहता है, पदार्थ रहता है इसके अंदर, उसको आप थोड़ा सा ढक्कन में लेके उसमें डाल दें, पानी में मिक्स कर लें, उसके अंदर रख दें ये पॉट, ये अंदर से खाली है, इसके अंदर पानी डाल दें और पानी में डाइल्यूट HTSO4 की एक या दो बूंद डाल दें बस, ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो ये जो जिंक क्लोराइड है वो जल जाएगी और इसके जिंक ऑक्साइड जो है वो गैस निकलेगी, उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी और ये रोड भी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल ही कम डालना है, बिल्कुल कम ना मात्र। ये दोनों सेल तैयार हो गए, प्राथमिक सेल है दोनों। अब हमें क्या करना है, हमें तुलना करनी है। अब तुलना करने के लिए हमें रीडिंग लेनी है। रीडिंग कैसे लेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है, वो मान नोट करेंगे। अब वो मान नोट करना कैसे है, सारणी आप इसकी बुक से देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सारणी कैसे बनानी है। आपको यहाँ लिखना है क्रम संख्या, सेल E1, एक को हम E1 मान लेते हैं कि ये जो सेल है वो E1 है और ये जो सेल है वो E2 है। इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 1.48 वोल्ट होता है, नियर अबाउट 1.5 वोल्ट के आसपास। इसका होता है 1.01 वोल्ट, 1.08 होता है एक्चुअल में दो, लेकिन 1.1 अपने मान सकते हैं, नियर अबाउट 1 वोल्ट भी कह सकते हैं। तो इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, तो उसकी संतुलित लंबाई ज़्यादा आएगी जब उस सेल का यूज़ करेंगे, इसकी संतुलित लंबाई कम आएगी जब इसका यूज़ करेंगे। तो E1 सेल के लिए संतुलित लंबाई L1, E2 सेल के लिए संतुलित लंबाई L2, और फिर निकालना तुलना करने के लिए E1 बटे E2 निकालना है हमें, तो क्या करो L1 बटे L2 निकालना। अब आपको रीडिंग लेनी है, इसमें 6 रीडिंग लेनी है, हम एक रीडिंग दो रीडिंग लेकर देख लेंगे, बाकी आपको खुद करके देख सकते हैं, एक कर लेंगे तो सारी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करना है, ये प्राइमरी सर्किट तो लगा रहेगा, ये लगी रहनी चाहिए, वहाँ से करंट आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इनमें से पहले हमें उस सेल का यूज़ करना है जिसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा है, वो E1 सेल है, उसकी रीडिंग लेनी है पहले, ये लगा देंगे की, ये लगा दें की। अब हमें यहाँ रीडिंग लेनी है, अब रीडिंग लेने वाला था, तो हम जैसे यहाँ देखना है, सबसे पहले हमें चेक करना है सर्किट में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है, इधर लगाएंगे तो एक तरफ आ रहा है विक्षेप, इधर लगाएंगे तो दूसरी तरफ आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस तार पे इस जोकी को ऐसे धीरे धीरे चलाना है, बहुत तेज़ी से घिसना नहीं है, वरना तार इसके टूट भी सकता है, इसलिए आपको आराम से करना ही है। तो आप इसको इस तरह से आगे लेके जाएंगे, जैसे जैसे लेके जाएंगे वैसे वैसे सुई भी जो है गैल्वेनोमीटर की वो आपको आगे जाती हुई दिखाई देगी। हमें लेके जाना है जीरो तक, जब जीरो पे आ जाता है तो धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा शून्य होती है, उसी स्थिति में संतुलन की स्थिति कहते हैं, और उसी स्थिति में जो तार की लंबाई होती है वो होती है संतुलित लंबाई। दूसरी तार खत्म हो गई, अब आगे हम तीसरी तार पे इस तरह से आगे हमें चलना है, तीसरी तार में अब यहाँ से लगभग ये जीरो के नज़दीक पहुँच गई है, हमें एग्जैक्ट जीरो पे लाना है, और लगभग ये आगे है जीरो, इसको देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको जीरो में, तो यहाँ आ गया हम लगभग। अब आपको सबसे मुख्य काम है, दूसरी गलती जो होती है वो दूसरी बड़ी गलती है वो रीडिंग पढ़ने की। तो यहाँ से हम रीडिंग पढ़ते हैं, अब इसके अंदर स्केल पे, स्केल पे थोड़ा सा दिखा दूँ, स्केल पे जब हम देखेंगे तो ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, और नीचे वाले में इधर से बढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे मीटर स्केल के अंदर होता है वैसे इसके अंदर है। लेकिन इसकी रीडिंग उसमें तो एक ही तार होती है, लेकिन इसके अंदर तार कितनी है, 10 है, तार एक ही है लेकिन 10 बार रोटेट किया गया उसको। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि कौन सी वायर पे है, दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तरीका बेसिकली जो समझने वाला वही ध्यान रखे, रखने वाला ध्यान भी रखे।
आपको वायर को काउंट करना है, 1, 2, 3 और 4, फोर वायर पे है, फोर्थ वायर पे है, तीन वायर कंप्लीट हो गई, तो एक वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तो 300 तो हो गया कंप्लीट मान, 300 सेंटीमीटर तो हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद ये भी तो जोड़ना है ये कितना है, तो इसके सामने आप यूं करके स्केल रख के देख लो एग्जैक्ट वैल्यू लेनी आ गई। अब लेनी कौन सी है देखो, अब हम देखो कहाँ से आ रहे थे, हम आ रहे थे पहली तार से इधर गए, दूसरी से इधर आए, तीसरी से इधर गए और चौथी से इधर आ गए, यहाँ आ गए। तो हम इधर से आ रहे हैं, तो जिधर से आ रहे हैं उधर से बढ़ता हुआ मान नोट करना है, यही आपको ध्यान रखना है, जिधर से आ रहे हैं उधर से ही बढ़ता हुआ मान, इधर से आ रहे हैं तो इधर से बढ़ता हुआ कौन सा है, नीचे वाला मान, तो नीचे वाला मान नोट करना है। इसके सामने जैसे मान लो लगभग 49 पर है, तो 300 तो पहले हो गए, 49 अलग हो गए इसके मान, तो टोटल मान क्या हो गया 349। तो L1 का मान आ गया 349। अब इसी स्थिति में ही हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, इसी स्थिति में ही हमें क्या करना है, इस की को निकाल देंगे और इसमें लगा देंगे दूसरे सेल को। अब वो सेल हट गया, अब ये वाला सेल जिसकी जिंक रोड जुड़ रही है वही सेल जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया। अब आपकी सेल के अनुसार रीडिंग ले लेंगे। अब इसके लिए भी आपको वही देखना है, स्टार्टिंग में जब लगाएंगे तो दोनों तरफ विक्षेप आना चाहिए, आ रहे हैं, आप चलेंगे इस पे। अब देखो जब हम इधर से चल रहे हैं ना पहली तार पे, तो पहली तार पे हम इधर जा रहे हैं, तो इधर से जो रीडिंग पड़ रही है वो ऊपर वाली है, वो नोट करनी है। तो समझने का तरीका यही अच्छा है कि आप ये जान के हम जिधर जा रहे हैं उधर बढ़ता हुआ मान हमें देखना है। आ गया, जीरो नहीं आया अभी भी, और ये आ गया लगभग यहाँ आ गया, तो सेकंड तार है, फर्स्ट तार लगभग कंप्लीट है और 100 सेंटीमीटर तो हो गया, सेकंड में हम इधर से आ रहे हैं तो नीचे वाला मान पड़े, नीचे वाला मान लगभग 26 है, तो ये हो गया 100 पूरा और 26 और जोड़ दो 126। एक बात ध्यान रखें, लेग्रांजी सेल का जो मान है वो हमेशा ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होता है तो संतुलित लंबाई भी ज़्यादा आएगी, इसका विद्युत वाहक बल कम होता है तो संतुलित लंबाई भी कम आएगी, ये बात ध्यान रखें। अब देखो दूसरा तरीका कि आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जब हम देखो इधर बढ़ेंगे तो पहली तार पे बढ़ेंगे, दूसरी तार पे इधर से वापस आएंगे, फिर इधर बढ़ेंगे तो तीसरी में बढ़ेंगे, पांचवें में बढ़ेंगे, सातवें बढ़ेंगे, नौवीं में बढ़ेंगे, इसका मतलब विषम संख्या की जो तार होती है उस पर हम इधर बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर वाला मान बढ़ता हुआ है वो नोट करना है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जब हमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो विषम संख्या में जो वायर है 1, 3, 5, 7 और 9 इनके लिए आपको ऊपर वाला मान पढ़ना है, ये एक रटने का तरीका होता है वैसे, ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं है। दूसरी बात, जब आप 2, 4, 6, 8, 10 इन तारों पे हैं तब आपको नीचे का मान पढ़ना है, विषम संख्या में तो ऊपर का और सम संख्या में तो नीचे का, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दूसरी जब रीडिंग लेनी है उसमें दूसरी कैसे लेनी है, अब इसमें कोई प्रतिरोध बॉक्स तो लग रहा नहीं है, भी अलग अलग प्रतिरोधों पे लेने वो तो है नहीं, तो दूसरी कैसे लेनी है, आपको धारा नियंत्रक में थोड़ा सा इसका मान बदल देना है, थोड़ा मान इसका बदल दो, इसको आगे खिसका दिया, बदल दिया इसका मान, अब वापस दूसरी रीडिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ क्या करना है, ये मान कैलकुलेशन में सोल्व करना है, गणना में 349 में 126 का भाग देगा, उत्तर लिखना या नहीं लिखना कि 349 डिवाइडेड बाई 126, अपने को सारणी का कचरा नहीं करना है, कैलकुलेशन अपने को अलग करनी है और जो रिजल्ट आएंगे वही सारणी में यहाँ लिखने के, कि आंसर इसका 1. समथिंग आएगा, 1.2 के समथिंग आएगा इसका आंसर, 1.2 1.1 ऐसा आ सकता है। अब आप दूसरी रीडिंग शुरू कर देंगे, सेम यही प्रोसेस है, एक रीडिंग और बात कर लेते हैं हम, फिर आपको चेक करना है कि दोनों तरफ विक्षेप आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पर फिर चलेंगे, ठीक है, और फिर आगे आएंगे इस तरह से, फिर आगे इस तरह से थर्ड पे पहुंच गए, इस तरह से चलेंगे, थर्ड पूरी हो गई और फिर आप आगे फोर्थ पे, फोर्थ पे मान लगभग यहाँ आ गया, तो तीन तो पूरी हो गई, 300 चौथी तार है, सम संख्या की है तो सम संख्या में नीचे वाली रीडिंग पड़ रही है, ऐसे ध्यान रखें। दूसरा सही तरीका ये है कि हम इधर से आ रहे हैं तो इधर से कौन सा मान बढ़ रहा है वो देख लो, चाहे ऊपर है चाहे नीचे, नीचे वाला मान बढ़ रहा है तो नीचे वाला मान नोट करना है, तो ये लगभग 315 के आसपास आ रही है तो इसका मान लिख दो 315।
ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो लंबाई कम हो रही है, ये बात ध्यान रखना, ये गलत नहीं है। ये किताबों में इसमें बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, कम होते हुए भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बुक में जो लिखे हैं वही सही है, उसके अलावा सही कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप इसको अगर इधर करेंगे तो हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो लंबाई जो वैल्यू है वोल्टेज की वो कम हो जाएगी, तो उसके अनुसार रीडिंग आ जाएगी। हम कम कर रहे हैं रेजिस्टेंस को तो उसके अनुसार आ जाएगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कंपेरेटिवली देखेंगे तो इसकी रीडिंग इससे कम आएगी। अब नहीं चेंज करना उसको, दोनों की रीडिंग एक ही रेजिस्टेंस, ये रियोस्टेट की जो पॉइंट है एक ही पॉइंट पर लेना है। अब इसमें लगा देंगे, फिर नोट कर देंगे, फिर मान निकाल लेंगे। इस तरह से राजस्थान बोर्ड के अनुसार हमें छः रीडिंग निकालनी होती है, और छः का फिर मान लिख के फिर हम निकाल लेंगे इसका माध्य। इस तरह से इस प्रयोग को करना है। कुछ दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले सर्किट सही होना चाहिए, उसके लिए प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट देखना आपको। दूसरी बात, अगर आप विषय में एक ही तरफ आता है तो आप प्राइमरी सर्किट पर फोकस करें, ज़्यादा अच्छी तरह से उसको देख लें। तारों में अगर घिसके नहीं लगाएं, वहाँ प्लस माइनस में अगर आपने गड़बड़ करी है तो वो चेक कर लें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है रियोस्टेट, रियोस्टेट को आगे पीछे करके इसमें देख लें कहाँ पर से विक्षेप दे रहा है, उसके अनुसार इसकी रीडिंग लें। और उसके बाद में फिर बात आती है रीडिंग की, तो रीडिंग पढ़ने का आपको ध्यान रखना है कि कैसे पढ़नी है। फिर रिपीट कर लेते हैं, जब आप अगर पहली तार पे जा रहे हैं तो आप देख लो आप इधर बढ़ रहे हैं तो मान भी बढ़ना चाहिए, हम बढ़ रहे हैं तो मान भी बढ़ना चाहिए, बढ़ता हुआ मान हमें नोट करना है। अगर पांचवी तार पर मान है तो पहली की चार तार पूरी हो चुकी है तो 400 तो हो गए, पांचवी तार का जो मान है जितनी है उतना और उसमें ऐड करना है। अब ऐड कौन सा करना है, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो आप बढ़ता हुआ देख लें कौन सा। दूसरा तरीका, सम विषम का ध्यान रखें, तो अगर विषम संख्या के नंबर की तार है तो ऊपर वाला मान हमें नोट करना है, और अगर सम संख्या की है तो नीचे वाला मान नोट करना है। इस तरह से आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं और इस प्रयोग को इजी वे में कर सकते हैं। तो ये प्रयोग कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम देखें किसी और प्रयोग के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इनको देखते रहें और जुड़े रहें हमसे, जिससे आपको आगे से जितने भी प्रयोग हैं कक्षा 12 के सारे एक्सपेरिमेंट इस पे आपको मिल जाएंगे। लगभग 15-20 दिन में, महीने भर के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ अवेलेबल होंगे।